अटेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक हेमंत सत्यदेव कटारे ने नामांकन दाखिल किया। हेमंत कटारे ने नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए जो समर्पण भाव से आप सबकी सेवा की है उसी वे आगे बढ़ाने का काम और अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करेंगे। कटारे ने कहा कि प्रत्यक्ष क्षेत्र अटेर के जनमानस के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं और अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। मैं कोई संदेश देने के लिए अभी नहीं आया हूं, अभी तो मैं चुनावी मैदान में हूं। अभी जनता जनार्दन से ये निवेदन करने आया हूं कि मुझे टिकट मिल गया है, नामांकन मैंने आज दाखिल कर दिया, कार्यालय का उद्घाटन कर लिया है। अब पूरी जनता जनार्दन मुझे अपने बेटे के रूप में, अपने भतीजे भाई के रूप में आशीर्वाद दे और चुनाव जिता करके भेजे, जिससे कि उसके बाद मैं आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार में जनता की सेवा कर सकूं और जो विकास की गति अटेर क्षेत्र में रुकी हुई है उसको आगे बढ़ा सकूं। जो अभी आपने दद्दा टैक्स का, ये क्या है दद्दा टैक्स? आपको भी मालूम है ये जिस प्रकार से अटेर विधानसभा के मतदाताओं को भ्रष्टाचार करके लूटा गया है दद्दा जी के द्वारा, ये उसको यहाँ की जनता ने दद्दा टैक्स का नाम दिया है और दद्दा टैक्स से अब यहाँ की जनता मुक्ति पाना चाहती है और दद्दा टैक्स को इस बार उखाड़ के फेंकने को जनता तैयार है।